हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बराक 8 मिसाइल के बारे में, जिसको अभी रिसेंटली ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया। सो लेट्स बिगिन। कंटेंट्स में सबसे पहले हम कंटेक्स्ट को देखेंगे, देन वी विल सी द फीचर्स ऑफ दिस मिसाइल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्योंकि ये मिसाइल जो है ये बनी है इंडिया इसराइल के कोऑपरेशन से, इसराइल ने इसके अंदर हमें हेल्प किया है, इसराइल का ही ये टेक्नोलॉजी है। सो इन द एंड वी विल स्टडी अबाउट इंडिया इसराइल डिफेंस कोऑपरेशन। करंट अफेयर्स के ऊपर ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और ज्यादा अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। कंटेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग, तो इंडियन एयरफोर्स जैसे हमने बात करा में इंडक्ट की गई है एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये जो हम मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं बराक, दिस मिसाइल इज एक्चुअली एन MRSAM, दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। तो धरती से इसको हवा के अंदर छोड़ा जा सकता है, इससे दूसरे एरियल टारगेट्स जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। सो इट इज केपेबल ऑफ नॉकिंग आउट एरियल थ्रेट सच एज एनिमी फाइटर जेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, हेलीकॉप्टर्स हो गए, UAVs हो गए, जैसे कि ड्रोन्स हम लोग देखते हैं, ऐसे कोई भी एरियल थ्रेट्स को ये टैकल करने में सक्षम है। और इसका जो रेंज है दैट इज अप टू 70 किलोमीटर्स। इनफैक्ट कुछ क्रूज मिसाइल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपने ब्रह्मोस के बारे में सुना होगा, ऐसे मिसाइल्स को भी टैकल करने में ये मिसाइल कामयाब है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस इंडक्शन सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने इस मिसाइल के सिग्निफिकेंस को यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए ये कहा कि दिस इज अ जायंट लीप टुवर्ड्स अचीविंग आत्मनिर्भर भारत। हम लोग आजकल बात करते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया की, हम लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर हमें किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। आज की डेट में अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम लोग रशिया से बहुत सारा डिफेंस सिस्टम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, हम इसराइल से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो खर्चा है ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ जाता है। अगर यही टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में ही बनने लगे, अगर हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बनाने लगे, तो ऑब्वियसली ये सारा जो बजट है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। और इनफैक्ट इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस भी होती है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीक्रेट चीजें भी होती हैं जो बाहर की टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करोगे तो लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ये चीज नहीं होगी, अगर हम अपना सामान बनाएंगे खुद से, तो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो एरिया है, यहां से हम बच पाएंगे, ये सीक्रेसी जो हम मेंटेन करना चाहते हैं ये हो पाएगी। सो यहां पर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो हमारा मिसाइल है दिस इज अ गेम चेंजर इन एयर डिफेंस। तो एरियल थ्रेट्स को टैकल करने में ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिसाइल्स है जो अब हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के अंदर आ चुकी है। नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ दिस मिसाइल। जॉइंटली ये डेवलप किया गया है इंडिया और इसराइल के द्वारा। इंडिया की जो एजेंसी है दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसराइल की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। सो IAI एंड DRDO ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। दिस इज अ सर्फेस टू एयर मिसाइल, जैसे हमने पहले बात किया, तो सर्फेस से इसको यानी धरती से इसे लॉन्च किया जाता है हवा के अंदर। रेंज इसका रहेगा 50 से 70 किलोमीटर, एंड दिस मिसाइल इज अ हाई रिस्पॉन्स क्विक रिएक्शन मिसाइल है ये, एकदम फटाक से रिएक्ट करता है। जैसे ही आप इसको सिग्नल दोगे ये उसी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। इट इज अ वर्टिकली लॉन्च्ड सुपरसोनिक मिसाइल। पहली बात करते हैं वर्टिकली लॉन्च की, दूसरी है सुपरसोनिक मिसाइल। मतलब जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये वर्टिकली लॉन्च होती है, मतलब सीधा ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, ठीक। एंड सेकेंड थिंग इज सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब कि इसका जो स्पीड है दैट इज मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड व्हिच इज Mach 1। स्पीड ऑफ साउंड Mach 1 होती है, Mach इज द यूनिट जिसके अंदर हम स्पीड को मेजर करते हैं। तो ये जो मिसाइल है हमारी, इसकी स्पीड है ग्रेटर देन Mach 1 बट लेस देन Mach 3। तो अपर लिमिट अगर हम कह लें तो Mach 3 तक इसकी जो स्पीड है वो जाती है। सो इट्स रियली रियली फास्ट। इट इज डिजाइन टू न्यूट्रलाइज एनिमी एरियल थ्रेट्स लाइक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, गाइडेड बॉम्ब्स इनफैक्ट, और हेलीकॉप्टर्स। तो ऐसे कोई भी एरियल थ्रेट को ये टैकल करने में सक्षम है। द सिस्टम प्रोवाइड्स अ 360 डिग्री डिफेंस। किसी भी डायरेक्शन से, चारों ओर कहीं से भी अगर अटैक होता है तो ये उसको टैकल करने में केपेबल है।
जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट हो गए, एंटी शिप मिसाइल्स हो गई या ड्रोन्स हो गए, कोई भी एनी क्रूज मिसाइल, एनी बेलिस्टिक मिसाइल कैन बी टैकल्ड बाय दिस पर्टिकुलर मिसाइल कॉल्ड बराक 8। एंड दिस मिसाइल कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स, तो एक समय पे कई सारे टारगेट्स को एक तो ये टैकल कर सकती है। सेकेंडली, ऑल वेदर कंडीशंस में, चाहे दिन हो रात हो, खराब वेदर है, तो भी ये किसी भी अपने टारगेट को टैकल करने में पूरी तरह से सक्षम है। इट इंक्लूड्स एडवांस्ड रेडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स एंड मोबाइल लॉन्चर्स, तो इसमें प्रॉपर रेडार जो है वो अवेलेबल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर्स इसके अंदर अवेलेबल है जो टारगेट को पहचान लेते हैं। ये तक जान लिया जाता है कि टारगेट जो है वो कहीं आपका फ्रेंड तो नहीं है, कहीं वो सच में आपका दुश्मन ही है, मतलब अटैक जब करना है तो भी देख के करना है, कहीं अपने ही लोगों पे आप अटैक ना कर दें, कहीं अपने ही इक्विपमेंट पे, अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अटैक ना कर दें, इस चीज का ध्यान भी इसके अंदर रखा गया। सो देर आर प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स एंड मोबाइल लॉन्चर्स आर देयर। इसके अंदर जो मोबाइल लॉन्चर है उसके अंदर आप 8 मिसाइल्स जो है वो फिट कर सकते हैं एक समय के ऊपर। नेक्स्ट इज दिस मिसाइल इज पावर्ड बाय लोकली डेवलप्ड रॉकेट मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम्स, तो यहाँ पर रॉकेट मोटर जो है वो इसको प्रोवाइड करी गई है। जब भी इसको आप चलाना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली यू नीड पावर, राइट? दिस मिसाइल कंसिस्ट ऑफ अ बाई डायरेक्शनल डेटा लिंक। देखो, टारगेट जो है वो मूविंग टारगेट भी हो सकता है, तो उसको भी ये मिसाइल जो है वो टैकल कर लेगी, वहां पर भी ये अटैक करने में बिल्कुल केपेबल है। लेकिन क्या होता है कि बीच में जाकर समटाइम्स ऐसी जरूरत पड़ती है कि मिसाइल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाए, ये चीज को देखना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर बाय डायरेक्शनल डेटा लिंक्स अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन जो है टारगेट के रिगार्डिंग मिसाइल को प्रोवाइड करते हैं। दिस मिसाइल हैज बीन मेड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सो लाइक वी सेड अर्लियर, आत्मनिर्भर भारत की बात, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात हम लोगों ने की थी, तो ये जो इनिशिएटिव है हमने मेक इन इंडिया के अंडर बनाया। हमने इसराइल से एक असिस्टेंस जो है वो जरूर लिया है, इसराइल की टेक्नोलॉजी जरूर ली है हम लोगों ने, बट इसका जो ओवरऑल डिजाइनिंग प्रोसेस है वो भारत के अंदर हुआ है। MRSAM इज यूज्ड बाय IAF एंड नेवी। करंटली जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये इंडक्ट हो चुकी है, नेवी के अंदर ये ऑलरेडी इंडक्टेड थी और आर्मी के पास भी ये वेरी सून आ जाने वाली है। सो द नेवल वर्जन इज कॉल्ड LRSAM, दैट स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल एंड इट इज बेस्ड ऑन बराक 8। तो इसका जो रेंज रहेगा वो MRSAM से भी ज्यादा रहेगा। दिस मिसाइल हैज डिफरेंट वेरियंट्स, द फर्स्ट वन इज बराक 8 AMD। AMD स्टैंड्स फॉर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड LRSAM, जैसे अभी हमने बात किया, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है। दिस इज नेवल एयर डिफेंस सिस्टम एंड इज ओरिजिनली डिजाइन फॉर इसराइल नेवी। इसको पहले इसराइल नेवी के लिए डिजाइन किया गया था, बाद में ये जो मिसाइल है ये अलग अलग कंट्रीज के पास दी गई, उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाया गया, जिनमें से एक भारत भी है। सेकेंड इज MRSAM, जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। सो दिस इज अ मीडियम रेंज मिसाइल, इट हैज मोबाइल लॉन्चर्स, आप कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, दैट लॉन्चर कैन मूव, दैट इज मोबाइल। ट्रैकिंग रेडार्स इसके अंदर है, आप अपने टारगेट को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, मूविंग टारगेट को, दैट मीन्स ये टैकल करने में कामयाब है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसके ऊपर प्रॉपरली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज बराक MX, ये सबसे ज्यादा एडवांस सिस्टम है, LRSAM से भी ज्यादा लॉन्ग रेंज इसके अंदर हम लोग अचीव कर सकते हैं एंड दिस कम्स विद अ फ्लेक्सिबल कॉन्फिगरिंग ऑप्शन, तो आप इसको लैंड से करना चाहते हैं, पानी से करना चाहते हैं, एनी वे यू कैन, तो ये लैंड और नेवल मिशंस दोनों के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी फ्लेक्सिबल। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में कि ये मिसाइल अगर हम लोगों ने इंडक्ट कर ली है, अगर भारत के डिफेंस सिस्टम के अंदर ये मिसाइल है, वी हैव दिस, तो हमें इसका फायदा किस तरह से होने वाला है या हमारे लिए ये किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो द फर्स्ट थिंग, जियो पोलिटिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया गया। देखिए क्या है जियो पोलिटिकल चेंजेस, मतलब ज्योग्राफी की वजह से और पॉलिटिक्स दोनों को मिला दिया। इंडिया जो है वो एक बहुत ही ज्यादा ज्योग्राफिकली स्ट्रैटेजिक पोजिशन पे लोकेटेड है, जहां से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है और पावर पॉलिटिक्स इसकी वजह से काफी ज्यादा चलती है, ठीक? तो भारत की प्रेजेंस इंडियन ओशन के अंदर होना और भारत का जो इम्पैक्ट है इस वाले रीजन के अंदर काफी ज्यादा माना जाता है। तो अब देखो, इन जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ये ट्रेड को भी इम्पैक्ट करते हैं, इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करते हैं, पावर पॉलिटिक्स को भी एंड सिक्योरिटी सिनेरियो। जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि इंडियन ओशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंडिया की एकदम स्ट्रेटजिक पोजिशन है, अगर हम यहां पर देखें तो ये है भारत और ये भारत का जो पेनिनसुला है, दिस
आप देखो कितना ज्यादा एरिया जो है वो पानी के अंदर लोकेटेड है। इस साइड पूरा हमारा वेस्ट एशिया आ गया एंड द यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज, और इस साइड जो है हमारा है सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया एंड द अदर ईस्टर्न कंट्रीज। तो आप देखो कि भारत जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजिक पोजिशन के ऊपर है, जहां पर लेफ्ट राइट दोनों जगह से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर रेज होते रहे। चाइना का अभी हमने रिसेंटली ही देखा, भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रहा, लद्दाख के अंदर रहा, उससे पहले डोकलाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहा। तो हम लोग चाइना के साथ पिछले कुछ समय से थोड़ी टेंशन के अंदर रहे हैं, हमारे रिलेशंस जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े से बिगड़े हैं अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। इसी वजह से, क्योंकि देखो चाइना का जो इम्पैक्ट है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, वो एक डोमिनेंट शो करता है अपने एरियाज के अराउंड, एंड इसी वजह से वो अब वो इन्फ्लुएंस जो है उसको धीरे धीरे करके यहां पर भी बढ़ा रहा है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए ये एक नेसेसिटी है आज के टाइम पे कि हम अपने बॉर्डर्स को, ना ही सिर्फ लैंड बॉर्डर्स बल्कि पानी के जो बॉर्डर्स हैं, हमारी मैरिटाइम जो जितनी भी सिक्योरिटी है उसको हम लोगों ने इंश्योर करना है, एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव सच मिसाइल सिस्टम्स विद अस, कि हम कहीं पर भी इस सिस्टम को हवा के अंदर अगर कोई हमारे अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, पानी के अंदर अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, तो हम उसको टैकल करने में सक्षम हो। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, तो ये हमारी आज की जरूरत है। ठीक है, अचीवमेंट है ये हमारी, बट इसको उस तरह से अचीवमेंट के बारे में ना सोचे हम लोग, ये हमें जरूरत थी इसलिए भी हम लोगों को ये चीज करनी पड़ी है। सो लाइक द मिनिस्टर सेड दैट ग्लोबल सिनेरियो वाज ट्रांसफॉर्मिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से सिचुएशंस जो है वो बदल रही हैं, बड़े सारे टेंशन चल रहे हैं दुनिया के अंदर, आए दिन दो देशों के बीच में कोई ना कोई मतभेद होते रहते हैं, और आने वाले टाइम पे भी ये चालू रहेगा, ये खत्म होने वाला सिलसिला तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ऐसे टाइम पे वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, सो द इक्वेशन बिटवीन द कंट्रीज आर ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली लाइक वी सेड, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, वेदर इट इज साउथ चाइना सी, लाइक अभी हम लोगों ने बात करा कि चाइना का इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पे वो आसपास वाले जो आइलैंड कंट्रीज हैं छोटे छोटे, फिलीपींस हो गया, बोर्नियो हो गया, ताइवान हो गया, इन सबको वो लोग तंग करता रहता है। इंडियन ओशन रीजन, अगेन हमारा बैकयार्ड है इंडियन ओशन रीजन, और इसको सिक्योर करना तो हर हालत में इंडिया के लिए जरूरी है। इंडो पैसिफिक और सेंट्रल एशिया, इंडो पैसिफिक के अंदर तो रादर यूएसए तक इंटरेस्ट दिखा रहा है बिकॉज ऑफ अगेन चाइनीज इन्फ्लुएंस, और यहां पर इंडिया जो है वो यूएसए का साथ देता है। सो ऑल टुगेदर इट बिकम्स मोर नेसेसरी कि हम लोग ऐसे स्टेप्स उठाएं, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन जो है यहां पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी, हर जगह बनी रहेगी, तो अपने आप को हम लोगों को केपेबल तो करना होगा, तो हमें जो अपनी ये स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाना होगा। दिस मिसाइल सिस्टम वॉज लॉन्ग अवेटेड एंड इट्स इंडक्शन नाउ विल बूस्ट IAF's एयर डिफेंस केपेबिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी डिफेंस केपेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ इस डिफेंस केपेबिलिटी को और एनहेंस करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिफेंस सिस्टम को अपने अंदर शामिल करने का तय किया है, विच इज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दिस इज फ्रॉम रशिया। इसका अगर पूरा नाम देखें तो इट इज S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तो ये भी एयर डिफेंस के लिए कामयाब है, ये हमारी कैपेबिलिटी को और ज्यादा एनहेंस करेगा, वेरी सून जो है ये हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर शामिल होने वाला है। सो ये जो मिसाइल है इसका इंडक्शन जो है वो शुरू होने वाला है वेरी ही सून, हम लोगों ने इसको ऑर्डर ऑलरेडी अक्टूबर 2018 के अंदर कर दिया था, तो ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस, तो ऐसे 5 मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो हमें मिलने वाले हैं, दैट विल बी केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स इंक्लूडिंग एनिमी फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स एट रेंज ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर, तो ये है 70 किलोमीटर, और S-400 आने वाला है 400 किलोमीटर तक, तो यू सी कि कितनी ज्यादा जो रेंज है हम उसको इंक्रीज कर देने वाले हैं, जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा एनहेंस होगी, हमारी केपेबिलिटी जो है डिफेंस की वो और ज्यादा बढ़ेगी। देन दिस मिसाइल सिस्टम वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसाइल सिस्टम अवेलेबल ग्लोबली, बहुत ही बड़े लेवल का है ये, इट इज नॉट दैट कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, एंड दिस प्रोजेक्ट हाईलाइट्स अ क्लोज पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल डिफेंस सिस्टम। तो भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं, भारत और इजराइल का जो ये इंटरनेशनल रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है थ्रू डिफेंस सेक्टर, ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के अंदर, एंड क्योंकि ये हमें और भी ज्यादा फायदा कर रहा है हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, तो यहाँ पर एक तीर से
दो निशाने हो गए. वन, हमारा इंडिया और इसराइल के साथ रिलेशनशिप था वो स्ट्रांग हो गया. सेकेंडली, हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, हमारा जो आत्मनिर्भर अभियान जो था भारत को बनाने का, उसके अंदर एक योगदान जो है वो यहाँ से मिला है. दिस प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन द डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस ऑफ बोथ इंडिया एंड इसराइल एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन. दोनों के लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है. जहां एक और उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है, वो लोग बहुत सारे कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, भारत के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो एनहेंस हो रहे हैं. भारत एक ऐसा देश है जो इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहे अलग अलग जियोपॉलिटिकल चेंजेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. दुनिया के अंदर हो रहे जितने भी ग्लोबल डिसीजंस हैं उनके अंदर भारत का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एवरी कंट्री टुडे इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद इंडिया एंड हेंस इजराइल इज डूइंग इट्स पार्ट. And it has also led to the creation of new testing facilities and other infrastructure in India. Now you see, if a country is investing in India in such infrastructure, अगर एक कंट्री जो है वो एक इंटरेस्ट शो कर रही है डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि और भी जो कंट्रीज हैं वो ऐसा इंटरेस्ट शो करें. ठीक, इससे क्या होगा, भारत के जो इंडस्ट्रीज हैं, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट अ काइंड ऑफ डिमांड इन इंडिया. राइट, तो इंडिया के अंदर जब ये चीज का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगा कि ठीक है जी, यहाँ पर टेस्टिंग होगी या यहाँ पर हमें इस तरह के इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो ऐसी इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली ओपन होंगी. नाउ लेट अस सी द इंडिया इजराइल डिफेंस कॉपरेशन, की अभी तक इंडिया और इसराइल के बीच में किस किस लेवल पर डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिला है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इसराइल जो है वो, अगर मैं टॉप थ्री आर्म सप्लायर्स की बात करूं तो उनमें से एक है. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, 2016 टू 20 के बीच में रशिया जो है उससे हम 49% इंपोर्ट कर रहे थे अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर, फ्रांस से 18% है एंड इसराइल से 13%. तो टॉप थ्री जो है वो ये है हमारे, जिनमें से एक इसराइल ऑब्वियसली है. सो द इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उन्होंने यहाँ पर अलग अलग इसराइल वेपन सिस्टम्स जो है उनको इंडक्ट किया है समय समय के ऊपर. जैसे कि फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फाल्कन अवैक्स, दिस इज अ एयर बोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स. तो ये हमारे यहाँ पर शामिल है हेरॉन सर्चर टू एंड हेरॉप ड्रोन्स. तो ये सारे के सारे ड्रोन्स हैं, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल विद अस. और इसके साथ साथ बहुत सारे रिडार्स भी हैं जो हमने इसराइल से लिए हैं, जो ऑलरेडी भारत के डिफेंस सिस्टम के अंदर इंडक्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज स्पाइडर, दिस इज अ क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम. तो ये एयरक्राफ्ट को टैकल करने में बहुत ज्यादा कामयाब है. दिस इज ऑल्सो देयर. द एक्विजिशंस ऑल्सो इंक्लूड अ होस्ट ऑफ इजराइली मिसाइल्स. तो बहुत सारी इजराइली मिसाइल्स, गाइडेड एमिनेशंस वी हैव इट. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम पाइथन टू डर्बी, दीज आर टू एयर टू एयर मिसाइल्स. जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर्फेस टू एयर मिसाइल है बराक, ऐसे ही ये जो दो हैं दीज आर एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा के अंदर ही अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द टू बॉम्ब्स, क्रिस्टल मेज एंड स्पाइस 2000. ये बहुत ही पावरफुल बॉम्ब्स हैं जो हमने इसराइल से लिए. सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से यहाँ से आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बराक के फीचर्स क्या क्या हैं. अलग अलग आपको यहाँ पर पॉइंट्स बना के दिए जा सकते हैं, जिसमें से आपको चूज करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शंस करके यूजुअली ही पेपर के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं यूपीएससी के अंदर. सो इट इज क्वाइट लाइकली कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे. सेकेंडली, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बराक मिसाइल जो है वो कौन से दो कंट्रीज के कोऑपरेशन से बनी है, इंडिया का कोऑपरेशन कौन से कंट्री के साथ हुआ है. सो इट इज इसराइल. मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. मेंस के अंदर ये आपको पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर फ्रॉम द सेक्टर डिफेंस, राइट. और यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन ओवरऑल डिफेंस सिस्टम के बारे में कि किस तरह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहा है. तो वहां पर यू कैन ऐड दिस एज फॉर्डर मटेरियल. आप बराक मिसाइल को वहां पर मेंशन कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी रीसेंट डेवलपमेंट, राइट. सेकेंडली, आपको यहां पर ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स लिए हैं टू एनहैंस द स्ट्रेंथ ऑफ आर डिफेंस केपेबिलिटी. हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको और कैसे बेटर बनाने में सरकार का योगदान रहा है, या सरकार ने कौन कौन से ऐसे एमओयूज कह लो, या कौन कौन से ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको हमारे मिलिट्री सिस्टम के अंदर इंडक्ट किया है, हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर इंडक्ट किया है. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और ज्यादा अपडेट्स के लिए Facebook और Instagram पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।